Good morning, students, all of you. I am discussing from Geology for BSc second year in the topic of phylum Chordata belong to subphylum Hemichordata. In the topic of balanoclasses, today's class will be start in the topic of balanoclasses. The balanoclasses age belong to class Enteropinista, which have straight digestive tube with the mouth and anus. It is burrowing animals related the numerous gill cleft, no anus. It is burrowing animals is the 2 to 50 centimeters. 2 to 50 centimeters. It is found in 20 species in the balanoclasses animals. So students, balanoclasses जो मेनली सबसे पहली बात यह है कि balanoclasses belong करता है class Enteropinista से, और इसमें elementary canal straight tube like होता है, एक सीधे नली के आकार में पाया जाता है, और ये mainly burrowing animals हैं, ये बिलों में पाए जाते हैं, और इनका जो बरो का जो शेप है वो यू शेप्ड होता है. इसमें मेनली आपके 20 स्पीसीज पाए जाते हैं. 20 जातियां बेलेनोग्लासिस में दिखाए गए हैं, और उन्हीं में से एक स्पीसीज आपका क्लेविजिरस जो अभी आपको दिखाया है. अब सबसे पहली बात यह है कि बेलेनोग्लासिस का जो ग्रीक वर्ड है वो हम आपको दिखा देते हैं. बेलेनोग्लासिस का ग्रीक वर्ड बेलेनो प्लस ग्लासा. बेलेनो प्लस ग्लासा, बेलेनो मीन्स होता है ए कॉर्न, और ग्लासा मीन्स होता है टंग. तो ए कॉर्न वार्म कह सकते हैं, या टंग वार्म के नाम से भी जानते हैं. अब बात यह है कि जो टंग वार्म है यह एक एनिमल के टंग की तरह दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्स. ऑक्स मीन्स जो बैल के जीभ के आकार का जो है यह वार्म, यह एनिमल्स एपियर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं. तो मेनली जो ग्रीक वर्ड से एकदम क्लियर हो जाता है कि ये एनिमल्स किस एनिमल से या किस वार्म से रिलेटेड है वो आपको क्लियर बता देता है ग्रीक वर्ड्स. अब नेक्स्ट बात यह है कि हमने पिछले क्लास में आपको थोड़ा सा इस पे हिंट दिया था कि बेलेनोग्लासिस कहाँ पाए जाते हैं, और इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हमने आपको पिछले क्लास में बताया था. आज फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं, और फिर इसके बाद इसको आगे लेके चल रहे हैं. तो सबसे पहली बात यह है कि जो बेलेनोग्लासिस का सिस्टमेटिक पोजीशन मीन्स क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण होता है. तो बेलेनोग्लासिस का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम हेमिकार्डेटा, क्लास Enteropinista, जीनस बेलेनोग्लासिस, स्पीसीज क्लेविजिरस. तो मेन इसका जो संघ है वो आपका कार्डेटा.
उपसंग हेमिकार्डेटा, क्लास जो वर्ग है वो एंटीरोपिनिस्टा है, और जो इसका वंश है वो आपका बेलेनोग्लासुस, जो जाति है स्पीसीज वो क्लेविजीरस है। मेनली जो आपका वर्गीकरण से एनिमल्स को बताया जा सकता है कि यह किस परिवार से, इसका वर्ग क्या है, जाति क्या है, टोटल डिफाइन किया जाता है। इससे इसीलिए सिस्टमेटिक पोजीशन दिया जाता है। अब मेनली आता है कि हैबिट एंड हैबिटॉट, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेलेनोग्लासुस का। तो हैबिट एंड हैबिटॉट मीन्स होता है कि एनिमल्स का वास, निवास स्थान में ये कहाँ पे पाए जाते हैं, और इनका मुख्य भोजन क्या है, या किस जल में पाए जाएंगे, इनका वाटर फ्रेश या मेराइन किस फार्म में ये मिलेंगे, इन सब के बारे में हम आपको अब बताने चल रहे हैं डिटेल में। तो सबसे पहली बात ये है कि बेलेनोग्लासुस इज ए बरोइंग एंड एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स। बेलेनोग्लासुस आपका मेराइन फॉर्म में मिलते हैं। ये मेनली जो है कि समुद्री जल में, लवणी जल में, जिसको हम मेराइन फॉर्म कहते हैं, कि यह समुद्री जल में पाए जाते हैं, और या तो जल के अंदर रहेंगे तो ज़्यादा डीपली रहेंगे, 50 फिट अंदर की तरफ ये जो है कि जा सकते हैं, रहते हैं, और या तो समुद्र के किनारे जो सैंडी बॉटम है, रेत बना करके, वहाँ जो रेत है उसमें वो बरो बनाते हैं। हमने कहा ना कि जो बेलेनोग्लासुस इज ए बरोइंग एंड एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स, ए मोस्टली बरो में रहते हैं या जल के अंदर रहेंगे, लेकिन जल जो रहेगा वो मेराइन रहेगा, लवणी रहेगा, जो खारा जल है, स्वच्छ जल नहीं, खारा जल में वो पाए जाते हैं, या समुद्र के किनारे जो कॉस्ट है, किनारा है, उस किनारे पे बरो बना करके रहते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि इट इज फाउंड इन शैलो वाटर बिटवीन टाइड मार्क्स अलोंग द कोस्ट ऑफ वार्म एंड टेम्परेट ओशियन। ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, हमने समुद्री जल बता दिया कि मेराइन वाटर में होते हैं, लवणी जल बता दिया, लेकिन ये आपका शैलो वाटर मतलब छिछले जल पे, टाइड मार्क्स जहाँ थोड़ा सा कठिन, या फिर रेत में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि बेलेनोग्लासुस इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। बेलेनोग्लासुस टिबिकोलस लिविंग इन यू सेप्ड बरो द सैंडी बॉटम। बेलेनोग्लासुस स्टूडेंट्स, बेलेनोग्लासुस मेनली आपका जो है कि पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पूरे संसार में पाया जाता है, और यह एक ट्यूबिकोलस एनिमल के नाम से जाना जाता है। ट्यूबिकोलस ट्यूब के आकार के एनिमल्स कहलाते हैं, एक ट्यूब के आकार का इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर, जो शेप होता है वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि ट्यूबिकोलस एनिमल यू से बरो इन द सैंडी बॉटम। तो ये क्या करता है कि यू सेव्ड सैंडी बॉटम पे, जहाँ पे रेतीले जमीन होते हैं वहाँ पे ये अपना बरो बनाता है, और बरो क्या होगा, यू आकार में, इंग्लिश का जो यू होता है, यू आकार में, मीन्स इस टाइप का आपको दिखाई देता है, यू आकार में, यू यू आकार में इनका शेप होता है, और यह क्या होता है, ये एक ट्यूबिकोलस एनिमल कहलाता है, ट्यूब के आकार का।
और टीबी कोलस एनिमल्स होते हैं द वॉल ऑफ द ट्यूब आर लाइंड विथ म्यूकस सिक्रीटेड बाय द म्यूकस ग्लैंड। और ये मेनली इनका जो वाल होता है, जैसे आपको बेलेनोग्लासस की बॉडी का ये शेप है, इनकी वाल पे क्या होता है कि म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, म्यूकस ग्लैंड्स जो चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस सिक्रीट करता है, और इनकी जो बॉडी होती है वह यू शेप्ड होती है। और यू शेप्ड अगर होता है तो ये जो समुद्र पे जो कास्ट किनारे जो बिल बनाएंगे, जो बरो बनाएंगे, वह क्या होगा, यू शेप्ड होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखलाया है। ये आपका यू शेप्ड बरो है। क्या है कि यू शेप्ड बरो, जो बरो मीन्स क्या होता है, बिल। यू शेप्ड जो है बिल या सुरंग, बेल से अच्छा वर्ड है सुरंग, जो सुरंग बनाते हैं वो यू शेप्ड होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है कि बात है कि इसमें म्यूकस ग्लैंड आप एनिमल्स को सिक्रीट करते हैं, एनिमल्स जो म्यूकस सबस्टांस या म्यूकस ग्लैंड्स को सिक्रेट करते हैं, द बरो आर ओपन एट बोथ इंड एंड स्पायरल कॉयल ऑफ फीकस लाइक द कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म मे बी सीन एट द पोस्टीरियर ओपनिंग। यहाँ पे बात ये आती है कि द ट्यूब मेनली जो बरो है वो ओपन होता है बोथ एंड एंड स्पायरल कॉयल, जहाँ पे बरो का एंड होता है वहाँ पे वो क्वायल के आकार का इस साइड जो बनाते हैं पूरा एक क्वायल, क्योंकि ये सरफेस होता है बॉटम, ये सतह है। एनिमल्स जो है कि पोस्टीरियर साइड जहाँ एंड होता है ये क्या है आपका इंटीरियर, और ये क्या है पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर और पोस्टीरियर दो साइड हैं बरो के, वो कैसे आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड दिखाते हैं कि जैसे एनिमल्स, यहाँ पे बात एग्जांपल ये दे रहे हैं कि अर्थवर्म, यहाँ हमने आपको दिखा कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म में भी सीन एट द पोस्टीरियर ओपनिंग, कि पोस्टीरियर पार्ट जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे अर्थवर्म जैसा एनिमल जो फीकस मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं सरफेस पे, जो बॉटम पे एक्सक्रीट करते हैं, वो मेनली क्या है कि वो एक तरीके से आपका फीकस जो क्वायल के रूप में परिवर्तन करते हैं दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मेनली है तो क्वायल, क्वायल का जो रूप है आपका एक सर्किल में पूरा बनाते हैं, वो मेनली आपके जो फीकस मटेरियल जैसे अर्थवार्म अपने फीकस मटेरियल मीन्स वेस्ट मटेरियल मीन्स जो है मल को जो त्याग करता है वो सरफेस पे एक क्वायल का रूप जो है अपीयर करता है, दिखाता है, और उससे महसूस होता है कि यहाँ पे दूसरे अर्थवार्म हैं। उसी की भांति उसी के सापेक्ष जो है बेलेनोग्लासस जो है एनिमल्स है वो भी बरो के बाहर अगर बरो में रहता है तो उसका जो पोस्टीरियर साइड है वह एक क्वायल के रूप में जो है अपीयर होता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे आपका बेलेनोग्लासस दिखाया गया है। तो ये रहा ये बात आपका जो यू शेप्ड की बात आई, यहाँ पे ये बेलेनोग्लासस मेनली अपने रहने के जो स्थान बनाता है वो बरो में यू शेप बनाता है। हमने आपको बताया भी कि जो हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ बेलेनोग्लासस है वो सबसे मेन बात ये है कि वो कहाँ पे पाया जाता है और किस जल में रहता है, फ्रेश या मेराइन, और वह किस एनिमल की तरह व्यवहार करता है। तो हमने आपको बताया कि कहाँ पाया जाता है, तो हैबिट और हैबिटेट की बात जो आती है कि हर एक एनिमल में, चाहे वह वर्टिब्रेट हो चाहे इनवर्टिब्रेट्स हो, जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे सबसे पहली बात वो प्रोड्यूज होने के बाद क्या करते हैं कि उनका रहने का स्थान, रहने के बाद फिर खाने का, फिर उसके बाद फिर अगला वर्क उनका स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट आपको मेनली जो हैबिट एंड हैबिटाट आपको क्लियर हो गया होगा कि मेनली इनको हम हिंदी में आपको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि जो हैबिट एंड हैबिटाट है वह मेनली आपका जो है कि क्या होते हैं कि जो उनका रहने का स्थान है, तो ये मेनली जो मुख्यतया
समुद्री जल में या मेराइन फॉर्म्स में रहते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, यह छिछले जल में पाए जाते हैं और यह जल के अंदर काफ़ी गहराई में, जैसे कम से कम आपके 50 मीटर कह सकते हैं, जो है कि आपके 1 fathom इस पॉइंट जो है 50 मीटर होता है, 50 मीटर गहराई में रह सकते हैं, या तो समुद्र के बाहर जो किनारा होता है तो किनारे पे कम से कम वो यू शेप्ड बिल बना करके, सुरंग बना करके रहते हैं, जिसका जो है लंबाई 2 centimeter से लेकर के 50 सेंटीमीटर रहते हैं, 2 centimeter से लेकर के 50 centimeter इसका से जो इसका साइज है, बिल का जो सुरंग का साइज वो 50 क्या है कि 2 से लेकर के 50 centimeter, 2 से 50 सेंटीमीटर इसकी जो है कि गहराई होती है, और जो बॉडी का जैसे ही सुरंग का शेप है वैसे इनके बॉडी का शेप भी होता है। तो और ये देखने में अर्थवार्म के जैसा दिखाई पड़ते हैं, अर्थवार्म के जैसा ही, जैसे अर्थवार्म सुरंग बना करके रहते हैं, ऐसे ये सरफेस पे जो है बेलेनोक्लासस भी सुरंग बना के रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ बेलेनोक्लासस मीन्स होता है वाह लक्षण। बेलेनोक्लासस का क्या होता है, वाह लक्षण कैसे हम बताएंगे कि इनका वाह लक्षण है, जो हमारी आँखों से मीन्स जैसे हम अपने आँख को ओपन करते हैं किसी भी एनिमल को देखने के लिए, तो सबसे पहले उस एनिमल का वाह कैरेक्टर मीन्स एक्सटर्नल जो मार्फोलॉजी है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं उनके आउटर शरीर के बारे में हम बता सकते हैं। तो द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ बेलेनोक्लासस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ शेप, सेकंड पार्ट साइज, थर्ड पार्ट कलर। तो स्टूडेंट्स, ये जो बेलेनोक्लासस का शरीर है उनके शरीर को हम 3 भागों में दिखाए हैं, जो वाह पार्ट, जैसे पहला शेप, दूसरा साइज, तीसरा कलर, जो इंग्लिश में बताया कि शेप साइज एंड कलर। तो शेप, शेप मीन्स आकार होता है, कि द बॉडी ऑफ बेलेनोक्लासस इज सॉफ्ट इलांगेटेड सिलेंड्रिकल बींग रिचली सिलिएटेड ऑल ओवर एंड कवर्ड विथ म्यूकस। जैसा शेप है बेलेनोक्लासस का, जो आकार है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है, एक बेलनाकार होता है, इनके बॉडी का जो आकार है वह बेलनाकार होता है, और इनकी बॉडी पे म्यूकस का आवरण लगा होता है, जो आपका ये पूरी बॉडी है उसमें क्या है कि म्यूकस का पूरा आवरण है, और इनकी जो बॉडी है वो बेलनाकार और सिलेंड्रिकल होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है साइज। साइज मीन्स होता है माप, के एनिमल कितना लंबा चौड़ा मोटा ये होता है, उनकी माप क्या है। देखने के बाद उनका जो आकार हमने बता दिया कि बेलनाकार होता है, वैसे साइज है। तो द साइज ऑफ बेलेनोक्लासस इज 2 centimeter टू 2.5 meter, मीन्स 2 centimeter से लेकर के 2.5 meter। तो स्टूडेंट, सेंटीमीटर से लेकर के मीटर में है ये, 2 centimeter से मतलब न्यूनतम 2 centimeter और मैक्सिमम मतलब अधिकतम 2.5 meter, 2.5 meter इसका जो है लंबाई होती, लेंथ, द लेंथ ऑफ 2 centimeter टू 2.5 meter इन बेलेनोक्लासस। बेलेनोक्लासस का जो साइज है, जो लेंथ है, जो माप, जो लंबाई है वो 2 centimeter से लेकर के 2.5 meter तक होता है, जो आपका ये साइज है आपका एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट,
ऊपर से नीचे जो इनका लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 मीटर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कलर। तो कलर मेनली एनिमल को देखने पर ही पता चलता है, नहीं वाह कैरेक्टर वाह लक्षण हम आपको बता रहे हैं, तो वाह लक्षण देखने के बाद पता चलता है कि इनका शेप साइज और कलर कैसा होता है। तो कलर मेनली इनका जो है ड्रेप कलर, रेडिश कलर मीन्स आपका, और पाल वाइट कलर मतलब हल्का आपका रेडिश कलर, ड्रेप कलर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि डिवीजन ऑफ बॉडी। सबसे पहली बात है कि डिवीजन ऑफ बॉडी के पहले हम आपको जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में बताए हैं, मेनली जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होता है वो वाह्य लक्षण, वाह्य लक्षण एनिमल के जन्म के बाद ही पता चलने लगता है कि वह किस आकार में होगा, उसका साइज क्या है, उसकी माप क्या है। तब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम आपको एक्सटर्नल जो कैरेक्टर है कंप्लीट होने के बाद, अब इसके बॉडी में कुल कितने पार्ट होते हैं मेनली, तो अब इसमें जो बॉडी के जो पार्ट हैं मेन, अब उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि डिवीजन ऑफ बॉडी, जो डिवीजन ऑफ बॉडी है वो बॉडी में कुल कितने भाग होते हैं। तो द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। तो एनिमल्स का जो शरीर है, जो बेलेनोग्लासिस के जो शरीर है वो सममित में बायलेटरली द्विपार्श्वी और सममित में होते हैं, और मोस्टली इनके शरीर को, इनके बॉडी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में जो है कि इनको बांटा गया है। फर्स्ट प्रावेसिस, सेकंड कालर, और थर्ड पार्ट जो है ये ट्रंक है। प्रावेसिस, कालर एंड ट्रंक। तो प्रावेसिस क्या है कि सबसे पहला भाग है प्रावेसिस। प्रावेसिस को हम एंटीरियर पार्ट के नाम से भी जान सकते हैं, तो एंटीरियर पार्ट प्रावेसिस। दूसरा कॉलर है जिसको हम मिडिल, इसको हम क्या कहते हैं कि मिडिल पार्ट के नाम से भी जान सकते हैं मिडिल, और इसको क्या है एंटीरियर, एंटीरियर। और लास्ट जो है ये पार्ट जो है पूरे पार्ट को मिला करके ये हमारा जो है ट्रंक है, ट्रंक पार्ट है। तो ये क्या है पोस्टीरियर साइड होते हैं। तो बॉडी में 3 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोवेसिस, सेकंड कॉलर, थर्ड आपका जो है ट्रंक है, ये पार्ट है। तो प्रोवेसिस को हम एंटीरियर पार्ट के नाम से जानते हैं, कॉलर को मिडिल पार्ट के नाम से, और ट्रंक को जो है पोस्टीरियर पार्ट के नाम से जानते हैं। अब प्रोवेसिस जो पार्ट होता है उसको हम प्रोटोसोम के नाम से भी जानते हैं, एंटीरियर ये बात आता है प्रोवेसिस और प्रोटोसोम। प्रोवेसिस जो पार्ट होता है वो सबसे एंटीरियर पार्ट, तो प्रोवेसिस में द प्रोवेसिस फॉर्म द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इज आइदर राउंडेड आर कॉनिकल इन शेप। तो जो प्रोवेसिस पार्ट है वो कॉनिकल शेप होता है, कॉनिकल्स मीन्स आपका जो है शंकु के आकार का होता है, और ये मेनली जो कंटिन्यू पोस्टीरियरली इनटू साल्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जो है साल्ट होता चला जाता है। अब प्रोवेसिस पार्ट में ग्लोमेरुलस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। अब ग्लोमेरुलस ऑर्गन्स का जो कार्य होता है, जो फंक्शन है कि प्रोवेसिस में ग्लोमेरुलस का जो मेन फंक्शन है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, रक्त को फिल्टर मतलब छानने का काम करता है, और दूसरा वर्क है कि वह एक्सक्रीटरी मटेरियल को जो है फिल्टर करके जो है बॉडी से बाहर करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कॉलर। कॉलर को हम मीजोसोम के नाम से जानते हैं, प्रोटोसोम, सेकंड क्या है मीजोसोम। अब जो मीजोसोम्स है कॉलर,
वो एंटीरियर पार्ट जस्ट बिहाइंड बिलो द कॉलर, द कॉलर कॉर्ड इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कॉलर जो है एक नली के आकार में होता है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि यह फूड मटेरियल को जो है ट्रंक पार्ट तक ले जाने का वर्क करता है। अब थर्ड पार्ट होता है ट्रंक। ट्रंक पार्ट में आपका टोटल एनस पार्ट आते हैं, उसमें आपके हिपेटिक रीजन, हिपेटिक सीका और एब्डोमिनल मींस आपके उदर पार्ट आते हैं, जिसमें टोटल स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस पार्ट दिखाए जाएंगे। और ट्रंक पार्ट जो मेनली होता है उसको हम मेटासोम के नाम से जानते हैं। तो मेटासोम्स, जो मेटासोम्स होते हैं वो बिल्कुल आपका जो है एक सिलेंड्रिकल आकार होता चला जाता है, एक बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है। और एनस पार्ट जो पाए जाते हैं उनसे टोटल जो है फीकस मटेरियल शरीर से बाहर किए जाते हैं। तो मेनली आपका जो ट्रंक पार्ट है उसमें आप मेनली जो है इसमें देख रहे हैं कि रीज पाए जा रहे हैं। रीज, जो रीज आपके ट्यूब है, और फिर हिपेटिक सीका भी पाया जा रहा है जो क्वाइल रूप दिखाई दे रहे हैं। और ये आपका मेन एब्डोमिनल रीजन में दिखाए गए हैं। और एब्डोमिनल जो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसमें आपके टोटल मटेरियल फूड पार्टिकल्स आते हैं। और इसमें जो अभी देखें कि इंटेस्टाइन, रेक्टम ये सब पार्ट हैं, उनमें डाइजेस्ट करने के लिए पार्ट दिखाए गए हैं। अब एनस जो पार्ट है वो सबसे लास्ट पार्ट आप डिवीजन आप बॉडी का है, बॉडी का लास्ट पार्ट जो एनस, एनस के द्वारा जो है जितने फीकस मटेरियल हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब इसमें हमने आपको टोटल बॉडी के बारे में दिखाया कि बॉडी में कुल कितने पार्ट होते हैं, और पार्ट में हमने आपको दिखाया कि 3 पार्ट दिखाए गए हैं, और 3 पार्ट के बारे में हमने आपको बताया भी कि 3 पार्ट्स क्या क्या हैं इसमें। तो 3 पार्ट के बाद फिर जो हमने आपको दिखाया कि द कॉलर का डिफिनीशन एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं कि द कॉलर लाइज पोस्टीरियर टू द प्रोवेसिस एंड एंटीरियर टू द ट्रंक। मीन्स कॉलर जो पार्ट है वो प्रोबोसिस के जस्ट पीछे और ट्रंक के जस्ट ऊपर होता है। इट इज ए शॉर्ट सिलेंडर यूजुअली अबाउट एज वाइड एज लॉन्ग एंड मोस्टली शॉर्टर देन द प्रोबोसिस ऑल्दो समटाइम लार्ज। मीन्स प्रोबोसिस से कॉलर पार्ट छोटा होता है और कुछ समय बाद ये थोड़ा सा बड़ा होने का प्रयास करता है। द फनल लाइक एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉलर, कॉलर क्या है, यह कॉलर का एंटीरियर पार्ट जो है फनल लाइक, एक फनल लाइक होता है और जिसमें कॉलरेटी होता है, जहाँ पे जुड़ता है इस पार्ट को कॉलरेटी कहते हैं स्टूडेंट, कॉलरेटी। द फनल लाइक एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉलर, एंटीरियर पार्ट का जो कॉलर का एंटीरियर पार्ट है वो कॉलरेटी कहलाता है, कॉलरेटी। तो कॉलरेटी को हम कह सकते हैं कॉलरेटी, कॉलरेटी, कॉलरेटी। तो कॉलरेटी आपका होता है और जो कॉलर और प्रोबोसिस पार्ट को जोड़ने का काम करता है स्टूडेंट, कॉलर और प्रोबोसिस जो इंटीरियर और मिडिल पार्ट को जोड़ता है उसको हम कॉलरेटी के नाम से जानते हैं, कॉलरेटी। अब नेक्स्ट आता है कि शार्पली डाइमार्केटेड फ्रॉम द ट्रंक एंड सर्कुलर इंटीरेशंस, इंटीरेशंस होते हैं। अब ट्रंक लास्ट पॉइंट ट्रंक के बारे में बता रहे हैं, द ट्रंक इज इलांगेटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। ट्रंक क्या है कि यह हमारा पोस्टीरियर पार्ट है जो लंबा होता है, इलांगेटेड पोस्टीरियर पार्ट, जो मतलब कि ट्रंक ऐसे पार्ट में होता है जहाँ पे वो सबसे पश्च भाग होता है और वो आकार में लंबे दिखाई देते हैं। अब इट इज, इट हैज़ ए मिड डार्सल एंड मिड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल रीज। और ये क्या मिड डार्सल मिड वेंट्रल पार्ट में जो है कि अपर और लोअर पार्ट में क्या होता है कि मेनली वो आपके रीज बनाते हैं,
द ट्रंक इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, एंटीरियर ब्रांचियोजेनाइटल रीजन, मिडिल हिपेटिक रीजन और थर्ड है पोस्टीरियर एब्डोमिनल आर पोस्ट हिपेटिक, इसको हम पोस्ट हिपेटिक रीजन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कि हम आपको सबसे पहले बेलेनोब्लास्टिस का जो ग्रीक वर्ड आपको बताया कि ग्रीक वर्ड क्या है। तो जैसे आपको दिखाया भी कि बेलनास प्लस ग्लासा, बेलनास क्या है कार्ड और ग्लासा टंग वार्म हुए। तो इस तरीके से फिर हमने आपको इसमें बताया कि कुल कितने स्पीसीज हैं, कि दो से ले मतलब कि 20 स्पीसीज दिखाया कि 20 स्पीसीज बेलेनोग्लासिस की बॉडी में पाए जाते हैं और 20 जातियाँ होती जिसमें हमारी एक जाति जो बेलेनोग्लासिस क्लेविजीरस, बेलेनोग्लासिस क्लेविजीरस के बारे में हमने आपको बताया और उसके बाद हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में बताया कि ये सबसे पहले कहाँ पाए जाते हैं और किस जल में होते हैं। और लास्ट में हमने फिर इसमें बताया कि इनका जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो बाह्य लक्षण हैं, वो लक्षण कैसे प्रतीत होते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। तो बाह्य लक्षण में जैसे शेप, साइज, कलर हमने बताया कि शेप या सिलेंड्रिकल होता है, कलर इनका 2 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर होता है और फिर लास्ट में कलर है तो रेडिश कलर होते हैं। और उसके बाद फिर ये कि बॉडी में डिवीजन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी में कुल कितने भाग पाए जाते हैं। तो बॉडी में मेनली आपके तीन भाग होते हैं, थ्री पार्ट ऑफ द बेलेनोग्लासिस पार्ट ऑफ बॉडी। तो बेलेनोग्लासिस में तीन पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। जैसे कहा कि प्रोबोसिस एंटीरियर पार्ट में होता है, कॉलर मिडिल पार्ट में होता है और लास्ट जो ट्रंक है वो पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं। तो जो प्रोबोसिस पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट में होता है, उसको हम प्रोटोसोम के नाम से जानते हैं। जो कॉलर है वह मिडिल पार्ट होता है, उसको हम मीजोसोम के नाम से जानते हैं और जो ट्रंक है उसको हम मेटासोम के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये किसी भी एनिमल्स में एक जो पार्ट होता है उसके दो नाम या तीन नाम भी दिखाए जा सकते हैं, जिससे कि उसको हम पहचानने में, बताने में जो है सहायक हो। कि जैसे एंटीरियर, अभी तो उसको हम जान रहे थे कि जो प्रोबोसिस पार्ट है वो किस भाग में, एंटीरियर, एंटीरियर में जो प्रारंभ का जो अग्र पार्ट है उसको हम दिखा सकते हैं और जो मिडिल पार्ट है जैसे मध्य का जो भाग है उसको हम कॉलर बता सकते हैं और जो लास्ट का पार्ट है जो पोस्टीरियर है फर्स्ट का भाग उसको हम ट्रंक पार्ट को डिवाइड किए हैं। तो जो प्रोबोसिस जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम प्रोबोसिस पार्ट, जो प्रोबोसिस का हमने कार्य भी बता दिया कि जो अग्र भाग जो प्रोबोसिस पार्ट है उसमें ग्लोमेरुलस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और वो ग्लोमेरुलस ऑर्गन्स पूरी तरीके से वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में किडनी होता है, वृक्क होता है, वो क्या करता है फिल्टर करने का काम। तो वैसे बेलेनोग्लासिस बॉडी भी एक तरीके से फिल्टर, जो प्रोबोसिस पार्ट है बेलेनोग्लासिस का वो फिल्टर करने का काम करता है। इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी फिल्टर करके, मतलब उत्सर्गी पदार्थ को ये फिल्टर करके शरीर से बाहर करने का काम करता है। तो छात्रों तो ये और लास्ट पार्ट हमने जो बताया कि जो ट्रंक पार्ट है, ट्रंक पार्ट जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो सबको शरीर से बाहर करता है और जो कॉलर है वो कॉलर क्या करता है, वो मेनली जितने भी फूड मटेरियल्स को जो है स्टोर्ड कर लाता है और डाइजेस्ट करता है। तो छात्रों अब अगला पॉइंट हम सिलोम बताएंगे। सिलोम चल गई ना। तो अब आपको हम सिलोम सेपरेटेड बाय डार्सल एंड वेंट्रल मेसेंट्री, सेपरेटेड बाय डार्सल एंड वेंट्रल मेसेंट्री, तो हम आपको सिलोम की बात कर रहे थे कि सिलोम जो गुहा होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि सिलेंट्रॉन जो
बेलेनोग्लासस की बॉडी में एक और ये मेन पार्ट है सीलोम। अभी तक आपने इनवर्टिब्रेट्स में सीलोम को नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे सीलोम के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। जैसा कि सीलोम जो गुहा है बेलेनोग्लासस में, मेनली थ्री पार्ट होते हैं सीलोम में। सबसे पहले सीलोम का डिफिनीशन हम आपको बता रहे हैं कि द सीलोम इज इंटीरोसीलस। सीलोम क्या है, जो टाइप है सीलोम का वो इंटीरोसीलस होता है। हैविंग बीन फॉर्म एज आउट ग्रोथ ऑफ द इंटीरॉन, द सीलोम इज लाइंड विद सीलोमिक एपिथीलियम। सीलोम पे जो कवर है, लाइनिंग है, वो सीलोमिक एपिथीलियम नाम दिया गया है। द थ्री पार्ट ऑफ द सीलोम आर डिफाइंड फ्रॉम द बेलेनोग्लासस पार्ट ऑफ बॉडी। थ्री सीलोम आपके प्रोबोसिस सीलोम, सेकंड कॉलर सीलोम और थर्ड है ट्रंक सीलोम। अब प्रोबोसिस सीलोम, कॉलर सीलोम और ट्रंक जो अग्रभाग में होते हैं उनको हम प्रोबोसिस सीलोम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबोसिस सीलोम है, द पार्ट ऑफ सीलोम आर अनपेयर्ड प्रोबोसिस सीलोम। प्रोबोसिस सीलोम क्या है, उसमें कोई पेयर्ड नहीं होता, कोई पेयर्ड नहीं है प्रोबोसिस में। प्रोबोसिस सीलोम इज अनपेयर्ड एंड पेयर्ड ऑफ कॉलर सीलोम एंड पेयर्ड ऑफ ट्रंक सीलोम। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो तीन मेनली आपके पार्ट दिखाए गए हैं सीलोम में, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस सीलोम जो होता है वो अनपेयर्ड होता है, जो कॉलर सीलोम है वो पेयर्ड में है, और जो ट्रंक सीलोम है वो भी पेयर्ड में पाए जाते हैं। अनपेयर्ड और पेयर्ड, अनपेयर्ड में केवल प्रोबोसिस, कॉलर जो है पेयर्ड में जो आपके जोड़े में होगा, और जो ट्रंक है सीलोम वो भी जोड़े में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोबोसिस अनपेयर्ड सीलोम, इसमें कोई पेयर्ड नहीं है, वो सिंगल है, और जो कॉलर है उसमें टू पेयर्ड सीलोम है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट साइड। और इसी तरीके से ट्रंक सीलोम जो होता है वो भी राइट और लेफ्ट दो साइड में है। आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड। इसको हम दिखा सकते हैं एरो के माध्यम से, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, और ये क्या है, पेयर्ड होते हैं ये पेयर्ड। और तीसरा जो ट्रंक है ये भी आपके पेयर्ड में होते हैं, पेयर्ड, पेयर्ड सीलोम। आपका तीन सीलोम जो कि अनपेयर्ड, आपके प्रोबोसिस, कॉलर जो है पेयर्ड और ट्रंक भी पेयर्ड में होते हैं। अब जो पहली बात ये आएगी, द प्रोबोसिस सीलोम आर हेड कैविटी आर प्रोटोसील इज द सिंगल स्पेस इन द प्रोबोसिस। अब सबसे पहली बात ये है कि जो प्रोबोसिस है वो आपका सबसे आउटर पार्ट है, सबसे एंटीरियर पार्ट है, जो मेनली आपको हेड कैविटी आर प्रोटोसील के नाम से जानते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया कि प्रोबोसिस को हम प्रोटोसील के नाम से जानते हैं, अब प्रोटोसील को प्रोटोसील सीलोम के नाम से जानते हैं, तो प्रोबोसिस को प्रोटोसील आर प्रोटोसील सीलोम कहेंगे। और इसमें क्या है कि सिंगल कैविटी होती है, प्रोटोसील इज द सिंगल स्पेस इन द प्रोबोसिस, इसमें हेड कैविटी जो है वो सिंगल होती है। अब सेकंड पार्ट रहता है, द कॉलर सीलोम आर द मीजोसीलोम हैज टू कैविटी लाइंग द साइड बाई साइड। तो जो आपके कॉलर सीलोम है, जो कॉलर सीलोम है वो साइड बाई साइड और टू कैविटी से मिलके बनते हैं, दो कैविटी है, आप देख रहे हैं दो कैविटी, दो साइड बाई साइड, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में जो है, इसीलिए इसको हम पेयर्ड सीलोम के नाम से भी जानते हैं। अभी तक प्रोबोसिस को हम अनपेयर्ड सीलोम के नाम से जानते थे, क्योंकि वो हेड कैविटी है, और हेड कैविटी होता है उसमें जो सिंगल पेयर होते ही नहीं है, वो अनपेयर्ड है। अब थर्ड बात आती है कि द ट्रंक सीलोम आर मेटासील हैज टू कैविटी सेपरेटेड बाय डार्सल एंड वेंट्रल मेसेंट्री। अब जैसा कि ट्रंक पार्ट में भी पेयर्ड में सीलोम होते हैं, आप उसमें टू पेयर, जो आपका पेयर्ड कैविटी है उसमें डार्सल और वेंट्रल दो मेसेंट्री से मिलकर के, मतलब कि डार्सल और जो वेंट्रल्स है,
तो डार्सल और वेंट्रल मिल करके जो है कि ये पूरी तरीके से ट्रंक सिलोम को कंप्लीट करते हैं। तो सिलोम जो होता है आपका गुहा, इसमें मेनली आपके प्रोटोसील, मेटासील और मीजोसील, तीन सिलोम होते हैं। जैसा कि हमने फिगर में आपको दिखाया भी है कि प्रावेसिस सिलोम जो अनपेयर्ड होता है, कालर सिलोम पेयर्ड होते हैं, और ट्रंक सिलोम जो है पेयर्ड होता है। अब ट्रंक सिलोम में आपका जो है कि टू कैविटी होती है जो डार्सल और वेंट्रल को कंप्लीट करती है, और प्रावेसिस में सिंगल कैविटी होती है, और कालर में भी डबल कैविटी जो डार्सल और वेंट्रल राइट और लेफ्ट साइड। अब मेनली बात होती है कि सिलोम के अंदर जो आपके स्पेस होते हैं उसको हम वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से दिखाए हैं कि एलिमेंट्री कैनाल होता है आहार नाल। तो आहार नाल में मेनली आपके जो भोजन जो है कि अप करते हैं और ले जाते हैं। अब यहाँ पे तीनों जो सिलोम है, प्रावेसिस, कालर और ट्रंक, तीनों सिलोम के माध्यम से भोजन जो है एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। और एलिमेंट्री कैनाल आप जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में जो मेन आपका है कि भोजन कैसे फीड करता है, और एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग पिछली कक्षा में आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जैसा कि इसमें दिखाया गया है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट, माउथ, बक्टल कैविटी, फेरिंग, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो जो आपका प्रावेसिस पार्ट है वहाँ पे माउथ का निर्माण, कालर में आपके फेरिंग्स ओसोफेगस, और जो ट्रंक पार्ट है उसमें आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से हमने आपको सिलोम मेनली इनका क्या है, इंटीरोसीलस, जो इंटीरोसीलस टाइप का है, और ये एक आपका कॉनिकल शेप्ड में होता है, हेड पार्ट आपका कॉनिकल शेप्ड होता है, और कालर थोड़ा ब्रॉड होता है, पोस्टीरियर जो है आपके इलांगेटेड और सिलेंड्रिकल बॉडी शेप्ड होते हैं। तो सिलोम मैंने आपको जैसे हमने दिखाया कि सिलोम में जो एलिमेंट्री कैनाल उससे भी म्यूकस जो ग्लैंड्स होते हैं म्यूकस सिक्रेट करते हैं। इस तरीके से हम आपको जो सिलोम टॉपिक था उसको कंप्लीट किए। सिलोम मेनली बेलेनोग्लासेस की बॉडी में इंटीरोसीलस टाइप होता है, और सिलोम में तीन पार्ट्स होते हैं, प्रावेसिस, कालर और ट्रंक। प्रावेसिस को जो है कि प्रोटोसील सिलोम के नाम से जानते हैं, और कालर को मेजोसील और ट्रंक को मेटासील के नाम से जानते हैं। जो कि प्रावेसिस जो सिलोम होता है उसकी बॉडी में जो है सिंगल कैविटी होती है और अनपेयर्ड होता है। जो कालर सिलोम है वो पेयर्ड होते हैं, उसमें डबल कैविटी होती है डार्सल और वेंट्रल साइड में, और उसी की तरह जो है ट्रंक सिलोम में भी जो कैविटी होती है टू होती है डार्सल और वेंट्रल। इस तरीके से हमने आपको बेलेनोग्लासेस जो टॉपिक लिए थे उसमें सबसे पहले हमने ग्रीक वर्ड आपको बताया, ग्रीक वर्ड के बाद आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताया, सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद हैबिट एंड हैबिटाट, और हैबिट एंड हैबिटाट के बाद फिर हमने एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में बताया, और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बाद फिर हमने कि बेलेनोग्लासेस की बॉडी में कितने भाग होते हैं, डिवीजन ऑफ बॉडी, और लास्ट में हमने सिलोम टॉपिक लिया और सिलोम को भी कंप्लीट किया। इस तरीके से ये हमारा जो है टॉपिक एंड हुआ। धन्यवाद।